क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं अरुण का मैं रुख करना चाहूंगी। अरुण, इस बार अगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी हमने देखी है तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के पिच पर हम बीजेपी को मुख्य धारा में लड़ते हुए चुनावी दावे करते हुए हमने कहीं देखा है। इसके अलावा परिवारवाद हो और भ्रष्टाचार हो, इन मुद्दों पर बीआरएस को घेरती हुई यहां पर बीजेपी नजर आई है। और जिस तरीके से आपने बातचीत भी की जी किशन रेड्डी से, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि इन्हीं मुख्य मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, वोटर्स के मन में और क्या कुछ ऐसे मुद्दे आपको जहन में नजर आए? देखिए, जहां तक बीजेपी के कैंपेन का सवाल है तो योगी आदित्यनाथ जब आए थे, अमित शाह आए थे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जिस हिंदुत्व की आपने बात की वो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, चाहे लोकसभा की बात हो, राज्यों में विधानसभा की बात हो, वो हिंदुत्व के पिच पर खेलते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं और एकदम क्लियर कट लाइन ये है। और योगी आदित्यनाथ जब यहाँ आए थे, भाग्यनगर की बात हुई थी, और अभी खुद जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वो हैदराबाद का नाम बदल करके भाग्यनगर करेंगे क्योंकि हैदर की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, और वो मंदिरों में भी जा रहे थे, तो वो हिंदुत्व के पिच पर खेलेंगे। और साथ ही साथ टीआरएस जो अब बीआरएस बन गई है और कांग्रेस, दोनों को परिवार वाली भ्रष्टाचार वाली पार्टियां वो बता रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये जो पोलिंग बूथ है, इस पोलिंग बूथ पर लोग हैं, लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की लाइन, उस तरह की भीड़ या जद्दोजहद नहीं दिख रही है जिस तरह की भीड़ आपको राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में दिख रही थी जो हम चुनाव कवर करने वहां पर गए थे। तो लोग यहां पर आ रहे हैं, मतदाताओं में उत्साह है, लेकिन यहां के लिए कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे मतदाता आते हैं। तो तस्वीरें अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ उधर से, आप देखिए सुरक्षा की व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद यहाँ पर की गई है, और चूंकि ये संवेदनशील बूथ कई हैं यहाँ पर, तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्स के अमले के को तैनात किया गया है और प्रचुर मात्रा में यहाँ पर तैनात किया गया ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। बिल्कुल, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं तमाम जो मतदाता है वो अपने घरों से धीरे धीरे जरूर निकल रहे हैं लेकिन वोट कास्ट करने जरूर पहुंच रहे हैं। जसप्रीत का मैं रुख करना चाहूंगी। जसप्रीत, वहां पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, क्या कुछ और वोटर से आपकी बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, मैं गोशा महल सीट में मौजूद हूँ जो कि हॉट सीट है। खुद यहाँ पर टी राजा वोट करने आने वाले हैं, यहीं से वो चुनावी मैदान में है और कुछ देर में पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो वोट देकर के आ चुके हैं लेकिन ये वोट देने जाने वाले हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आप पहली बार वोट देंगे? हाँ, पहली बार। पहली बार वोट देने से पहले क्या दिमाग में चल रहा है? कुछ नहीं अभी। अहे, कुछ नहीं, क्या मुद्दे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, बस वोट दे के आना है जल्दी से। तो देखिए, ये है फर्स्ट टाइम वोटर, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी, क्या मुद्दे हैं? ताकि मेरा वोट अच्छे से लाइक काउंट हो जाए, ऐसा हो जाए कि लाइक दे कंसीडर माय वोट एंड आई विल बी एलिजिबल टू वोट नाउ। ठीक है, तो देखिए, तो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, कुछ लोग हैं जो वोट देके आ चुके हैं, दिखा दीजिए अपनी स्याही। तो ये तो क्या पहले नाश्ता करके आए हैं या आप जाके करेंगे? अब जाके करना। अच्छा, हाँ, तो कैसा होना चाहिए उम्मीदवार, क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं आप लोगों के? वोट अच्छा यूज होना मैडम। अच्छा, वेस्ट नहीं करने का है, वोट वेस्ट नहीं करने का है, सही उसको। तो देखिए कि जो तेलंगाना में, मैं आपको बताऊं, 119 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। बीजेपी की एकमात्र सीट जो 2018 में आई थी, गोशा महल सीट, यहां से टी राजा चुनावी मैदान में है। और जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बड़ा दावा किया, उन्होंने बड़ा दावा ये किया कि लगातार हम भी वोट अपील कर रहे हैं तमाम वोटर्स से, मतदाताओं से, कि वो अपने घरों से बाहर निकले। एक घंटे वोटिंग हो चुके हैं, हम देख पा रहे हैं तमाम दिग्गज जो है जिनकी साख जो है वो दाव पर लगी हुई, कई बड़े चेहरे जो है वोट कास्ट कर भी चुके हैं। सीधा मैं रुक करना चाहूंगी हैदराबाद का, हमारे सहयोगी वहां से संजय जुड़ रहे हैं। संजय, वहां पर क्या तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही है, हम देख पा रहे हैं इक्का दुक्का लोग जो है फिलहाल घरों से बाहर निकल रहे हैं लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे वोटर्स ज्यादा आएंगे बूथ पर? देखिए, जहाँ तक हैदराबाद की बात है, हैदराबाद का एक कल्चर है उसको हमको समझना होगा। यहाँ लोग जो है वो थोड़ा रात को देर तक जागना और फिर सुबह देर तक सोना, ये कल्चर में रहा है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं और महिलाएं हैं वो सुबह से वोट करने के लिए आना शुरू हो गई। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जो 10 बजे के आसपास जो है वो पोलिंग बूथ पर हैदराबाद में कतारें दिखना नजर आएंगी। लेकिन रूरल एरियाज से हमको जो लंबी लंबी क्यूज के विजुअल्स आना शुरू हो गए हैं, तस्वीरें आना शुरू हो गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं और अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दिए हैं। अभी अभी एक थोड़ी देर पहले एक फैमिली आई है जो अपने छोटे से बच्चे को लेके यहाँ पर एक महिला वोट करने के लिए अंदर गई हुई है। तो ये जो तस्वीर है, जो सेलिब्रिटीज हैं वो वोट करने के लिए सुबह से निकले हैं और कहीं ना कहीं इससे मैसेज जाएगा और लोग भी उनको देखेंगे टीवी पर और उसके बाद वो अपने घर से वोट करने के लिए निकलेंगे।
मैं यहाँ पर सेंट फैज हाई स्कूल के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये हैदराबाद की राजेंद्र नगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंतर्गत आता है। ये एक वोटर है जो वोट करके आई है, वोट डाल दिया बिल्कुल। अच्छा, क्या तो क्या आप तमाम क्या जो वोटर्स हैं वो लगातार जो है अपना वोट कास्ट करके आ रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी आपने देखा, अब वो भी अपना वोट कास्ट करके जो है वो बाहर आए, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। ऐसी तमाम तस्वीरें, तमाम दिग्गज जो हैं जहां जहां पर उनका वोट है वहां पर वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वोट अपील लगातार लोगों से की जा रही है कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपने वोट हक का इस्तेमाल करें। तमाम एक्टर्स भी देखिए सुबह से ही सुबह सुबह अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं और वो सियाई लोकतंत्र की जो सियाई है उन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। उसका आपका कोई हक भी नहीं बनता कि आप क्या बोलते सो हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं या किसी से आप पूछ सकते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ सही जगह पे वोट डालेंगे तो सही रिजल्ट आएंगे। बूथ के लोगों के लिए आपकी अपील? बूथ के लोगों के लिए मैं यही करूँगा कि बूथ में रहे, जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। तो तीन तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके से आज तेलंगाना के भविष्य की तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि वोटर्स जो हैं 119 सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन को आपने देखा, वो भी वोट कास्ट करने के लिए हैदराबाद पहुंचे। तो वहीं देखिए लगातार जो है तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जूनियर एनटीआर देखिए उन्होंने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है। तो 119 सीटों पर लगातार जो है वोट कास्ट किए जा रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी आपने इससे पहले देखा, उन्होंने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है और अपील भी की जा रही है लोगों से कि वो अपने घरों से बाहर निकले, अपने वोट हक का इस्तेमाल करें क्योंकि शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। ऐसे में सुबह से हम देख पा रहे हैं कुछ इक्का दुक्का लोग जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 घंटा बीत चुका है वोटिंग को। और एक बार फिर से हम जसप्रीत का रुख कर लेते हैं। जसप्रीत, फिलहाल क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? हम देख रहे हैं थोड़ा सा स्लो है क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वहां पर हम देख भी पा रहे हैं फर्स्ट वोटर्स भी आ रहे हैं, महिलाएं भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए क्या कुछ तैयारियां पोलिंग बूथ पर की गई हैं? देखिए क्योंकि ये वीवीआईपी इस लिहाज से हो जाता है बूथ, यहाँ पर खुद जो विधायक है टी राजा पहुंचने वाले हैं, इसलिए अंदर तक भी जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर देरी से सुबह होती है, हालांकि कुछ लोग हमें जरूर दिख रहे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं अब आ गई हैं। वोट दे दिया आपने? हाँ जी हाँ, दे दिए। अच्छा, क्या दिमाग में है, क्या दिमाग में रख के वोट दिया? अब जो समझ में आया, मीन्स जो अपने लिए अपने फायदेमंद है, जो अपने समाज के लिए कुछ करेगा, अपने देश के लिए कुछ करेगा, उसी को हम वोट देंगे। अच्छा, दिखा दीजिए स्याही। स्थानीय क्या क्या परेशानियां हैं इलाके में? ये यहाँ पे देखो हमेशा रोड फुटेसो रहती है या पानी बहते रहता है। बच्चों की स्कूलों में प्रॉब्लम है, जैसे कि ना स्कूलों में बेंचेस नहीं है, क्लासेस नहीं है, फैंस नहीं है, एक क्लास में दो दो तीन तीन क्लास लिए जाते हैं। ठीक है, एक और है, आपने वोट दे दिया सर, क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे तो सही वोट जाना बोल के तो है सर। हाँ, थोड़ा जोर से सर। सही मुद्दा तो वोट जाना सही। अच्छा, वोट दे दिया आपने। अब जाके पहले कुछ खा के आए हैं, जाके खाएंगे? नहीं नहीं, अभी जाके खाते। हाँ।